There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves so. गुड मॉर्निंग जी. सो टुडे कुड बी माई लास्ट डे इन स्पीति वैली. और हो सकता है क्या, अभी तो मैं जा रहा हूँ चंद्रताल लेक की तरफ. और बाय एनी चांस, स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझा दूंगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर मेरे को वहाँ से मनाली के लिए कुछ मिल गया तो आई हेड बैक टू मनाली देन बैक टू दिल्ली आज ही. तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग राइड टुडे. स्टे कनेक्टेड. Together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. हाँ जी. बोलिए भैया. जुडेल पॉइंट बोलते हैं. अच्छा. ओके. इधर मतलब पहले ट्रक एक्सीडेंट हो गया था. हाँ. तो यहाँ से दिखते हो भूत दिखता है. देखो वहाँ पर है, देखो लड़की पूरा बच्चा पकड़ के वहाँ पर पूरा निशान पड़ा हुआ है. कुछ मैं देखूं कैमरे से. लिसन, आई डोंट वांट माय फोन टू बी गिवन. शिट. बट आर यू श्योर दैट इज दैट? ओह हां, आई कैन सी द वुमन. ओह शिट, यस, इट डज लुक लाइक दैट. वेट, आई विल नीड टू. अभी वो आगे पूछते हैं ना कहानी. तो लेडी विद ब्लैक हेयर. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये एक इमेज सा दिखेगा जिसमें ऐसा लगेगा एक औरत अपने बच्चे को हाथ में लेके बैठी है. फोन. विनीत, लुक इनटू माय फोन. डू यू सी द झंडा? इट्स इन माय हैंड. डू यू नॉट सी द झंडा? हां हां, आई कैन सी. या ओह गॉड, आई डू. इट लेजिट लुक्स लाइक a lady with black hair. Yeah. Okay, now chalo, let's continue with the chudail story. Bhai, ta maza aa jata hai isi cheeze sunke. Haan ji, sunao. Bataiye, bataiye, sunao bhai, bataiye. Ye bote hai to niche ki hai. Ke lady to na. Haan. To ye truck wale se lift liya hua tha. Haan. Yahan par unki accident ho gayi. Acha. यहाँ पर इसके साथ बहुत गलत हो गया. तो फिर पूरा इसके अंदर इसी में पहाड़ में. क्या है पहाड़ में? पहाड़ में छपा हुआ है जो इसका तस्वीर पूरा. अच्छा. तो अभी रात के टाइम जाएंगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है. अच्छा. तो कोई नहीं आता है रात को? यहाँ रात को कोई जो बेदार आदमी होता है वो दो दो दिन में बदले जा सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. अकेला आदमी नहीं जाता. अच्छा, अकेला. ये कब की बात है? बहुत पहले की बात. स्टोरीज है. बट ये आप इस सब पे बिलीव करते हो मतलब ऐसे? हाँ जी, काफी लोग नहीं करते इसके लिए. हमारे टाइम पे हो चुके हैं ऐसे. अच्छा. तो लोग देखो कई एक्सीडेंट हो गए बोलते हैं, कईयों को दो दो रास्ते दिखते हैं. अच्छा, दो रास्ते. हाँ जी, हाँ जी. हमें सोनम भैया जो हमें स्पीति घुमा रहे थे उन्होंने बताया कि स्पॉट पे एक लेडी थी जिसने अपने बच्चे के साथ एक लिफ्ट मांगी थी एक ट्रक वाले से. और जहां उसने लिफ्ट मांगी थोड़ा सा आगे चलते ही वो ट्रक खाई से नीचे गिर गया और जितने भी जने उस ट्रक में थे सब मर गए. तो अपेरेंटली सोनम भैया के अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे उस पहाड़ में भी अभी जहाँ पे मैंने इमेज पॉज करके दिखाई वहाँ पे उस लेडी और उसके बच्चे की फोटो हमेशा से छपी है. उस एग्जैक्ट स्पॉट पे बहुत नेगेटिव एनर्जी थी और वो कह रहे थे कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, लोगों को भ्रम होता है कि वो रास्ता डुप्लीकेट हो रहा है. मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि खाई की तरफ रास्ता है लेकिन वहाँ रास्ता नहीं होता. तो वो जिसको छलावा कहते हैं वो उस जगह पे बहुत होता है और लोकल जने वहाँ रात को आना अवॉइड करते हैं. अकेले तो बहुत ही कम जने ट्रैवल करते हैं. तो दिस वॉज इट. यकनी. हेलो.
हग दिया। चंद्रताल लेक जाने के रास्ते में बहुत सारी ऐसे वाटर क्रॉसिंग आती है, और ये वाली टेक्निकली सब में से सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पानी के फ्लो वाली थी। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ फंसती है इसके कारण इतना जाम लगता है, लेकिन समहाउ आई डोंट नो इफ इट इज़ राइट थिंग टू से, लेकिन मज़ा भी आता है ये गाड़ियों को निकलते हुए देख के, बड़ा एंटरटेनिंग सा हो जाता है। Reading. So according to the board that's right here, it mentions ki Chandratal Lake has very much significance for local people obviously, or it is also believed ki yahan pe raat ko fairies aati hain apparently, and that's why it is not allowed to pitch any tent or camp near the lake. Also it was written ki jo wo the na Mahabharat wale Yudhishthir, he left for his heavenly abode yahan se. Just FYI. Kya? The first view of Chandratal Lake. The spot where you park your car, वहाँ से आपको आधा घंटा भी नहीं 15-20 मिनट पैदल चल के आना है और यूड बी एट द स्पॉट। वेरी प्रिटी। दिस प्लेस इज मेकिंग मी फील सो हैप्पी राइट नाउ। वेरी ब्यूटिफुल। तो गाइज दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एंड अभी इन 3, 2, 1 There you go, words of wisdom. This lake is obviously above 14,000 feet altitude. So, yahan pe aake itne thande pani mein don't try to take a dip because altitude hai bhai, pata nahi chalta, body ekdam se give up kar deti hai. Aur yahan pe ye bhi mana jata hai ki bhai ye lake has, since it is a very religious lake, this attracts. So if you start going in, इसका पानी अंदर खींचता है, तो अ लॉट ऑफ लोकल्स हैव टोल्ड मी कि इस चीज़ से थोड़ा बच के रहें, तो ऐसे ही मत करो यार, पंगे लेने की ज़रूरत ही क्या है। ध्यान से सुनना, कैमरा के पीछे एक कपल खड़ा था, वो क्या बातें कर रहे हैं।
भाई क्या बेवकूफ़ है लोग, सीरियसली डम डम हेड, क्यों कर रहे हो ये? पागल कहीं के भाई, यही अपील है, प्लीज गंदा मत करो ऐसी सुंदर जगहों को। ये इसीलिए सुंदर है क्योंकि ये गंदी नहीं है। Many hours later. If you guys are confused, so I'm really sorry. कि भाई चंद्रताल लेक के बाद सीधा दिल्ली कैसे और क्या सीन हो गया, क्या से क्या हो गए तो बताता हूँ, फुर्सत में बताता हूँ, एक बार ही घर चलते हैं। अभी ये बता सकता हूँ कि भाई मैंने अपने मम्मी पापा को ऐसा कोई सरप्राइज़ तो नहीं है, लेकिन मैं एक दिन जल्दी आ गया हूँ तो मैं उन लोगों को सरप्राइज़ करता हूँ। मैंने उन्हें बताया नहीं है कि मैं आने वाला हूँ, तो चलो घर चलते हैं। Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Hello जी, तो मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली और ऑब्वियसली मैं अपने घर पे अभी बैठा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई मैंने चंद्रताल लेक से मनाली तक का डिस्टेंस और मनाली तक की जर्नी क्यों बिल्कुल फिल्म नहीं करी। तो बेसिक रीजन ये था कि मेरे पास कोई कन्वेंस थी नहीं कि मैं ऐसे सर्टेन कन्वेंस होता ना कि मैं चंद्रताल लेक से मनाली जाऊंगा कैसे। तो मेरे को अपने साथ रास्ते में मिल गए थे विनीत भाई, जिनके साथ मैं चंद्रताल लेक पे घूम रहा था, थोड़ा आपने वीडियो में देखा होगा। तो विनीत भाई एक्चुअली अंबाला में एयरफोर्स में पोस्टेड है, तो उनको भी मनाली जाने का प्लान था। तो मेरे को एक जना अपने साथ मिल चुका था, तो अब तो भाई डिसाइड कर लिया था कि पहुँचना ही है कैसे भी। तो हम लोग एक्चुअली हिच हाइक करते हुए, लिफ्ट लेते हुए, एक काफ़ी काइंड फैमिली जो महाराष्ट्र से थे वो लोग अब एक टैक्सी करके आए थे जिसमें दो सीट खाली थी। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करा और उन्होंने हमें अटल टनल तक छोड़ दिया। तो अटल टनल पे हम पहुंचे अबाउट 8 बजे, और मेरा सारा पॉइंट दिल्ली उसी दिन निकलने का इसलिए था कि मेरा एक दिन बच जाता और मैं घर पर सबको सरप्राइज़ करता। तो मैं मनाली पहुँचा और वहाँ से हमने फिर से एक और लिफ्ट ली और सीधा मैंने वो मैप पे डाल दिया था कि मनाली का जो प्राइवेट बस स्टैंड है वहाँ पे पहुँच जाऊँ जहाँ से वॉल्वो चलती है। मैंने ऑन द वे एक सीट बची थी एक बस के अंदर, जस्ट लास्ट सीट, मैंने वो बुक करी और उसको बोर्ड करा और नेक्स्ट डे सुबह दिल्ली में। तो भाई आई बिलीव जो डेस्टिनी में लिखा होता है, और अगर आपको अगर नहीं वो क्या था वो डायलॉग, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो, वो वाला सीन हो गया मेरे साथ तो पूरा। बट एनी वे, थैंक यू सो मच इस पूरी सीरीज़ को इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जो लोग भी नए जुड़े हो इस चैनल पे, स्टे कनेक्टेड, क्योंकि भाई मैं ढीडू, मैं एवरी संडे आने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, और नेक्स्ट संडे नया सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज खुशी होती है यार, अच्छा लगता है। एनीवे, थैंक यू।